हाय फ्रेंड्स, मैं अंशराज और आप देख रहे हो फ्रेंड्स कार टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो बात करेंगे हम एयर गन के बारे में। ये वीडियो ओनली मैकेनिक भाइयों के लिए है, ओनली वर्कशॉप वालों के लिए है जिन हमारे पास एयर गन होती है। अब ये कभी कभी साउंड करती है खड़ 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 खड़, कभी कभी ये फ्री हो जाता है अंदर से, अच्छे से काम नहीं करती। उसको हम कैसे इसकी सर्विस करें और इसकी लाइफ कैसे बढ़ाएं, तो हम इसकी सर्विस करना और इसकी लाइफ बढ़ाना मैं आपको बताऊंगा। तो इसको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करके पूरी हम एक एक बार को इंस्टॉल करेंगे और इसकी उससे लाइफ भी बढ़ेगी और अच्छे से काम भी करेगी, इसका साउंड भी नहीं आएगा और बोल्टू भी अच्छे से खोलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, तो पूरी प्रोसेसिंग देखने के लिए कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए। और वैसे ये वीडियो ओनली मैकेनिक भाइयों के लिए है। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम इसका इंस्टॉल करना। तो फ्रेंड्स हम इसकी फिटिंग खोलना ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके T30 के ये तीन स्क्रू खोलेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। खोलता हूँ इसके T30 के तीन स्क्रू। तो फ्रेंड्स मैंने इसके तीन स्क्रू ओपन कर लिए, अब इसको हम हटा लेंगे आज के। ये देखो इसकी हम सर्विस करते हैं, तो इसका ग्रीस अभी तक ख़राब हो चुका है, ब्लैक ब्लैक। तो हम इसमें न्यू ग्रीस डालेंगे इसको क्लीन करके। ये देखो इसको ऊपर निकालेंगे हम इसे, इसको ऐसे उठा लेंगे डायरेक्टली। उठ गया, बस दो स्लॉट आती है, ये रही इसकी दो पिन आती है इनको लॉक करने की। ये इसका एक वाशर है, ये नीचे बस इसका बेरिंग है, यहाँ पे बेरिंग है। अब इसको पेट्रोल की मदद से दो के हम लगाएंगे इसको। कम्प्लीटली ओपन कर लेते हैं इसको एक बार। ये इसका बटन है जो यहाँ से निकलता है भी, आप देख सकते हो ये इसके अंदर लगता है। तो इसको एक बार पूरी पेट्रोल से क्लीन करता हूँ, फिर आपको फिटिंग का वीडियो बताता हूँ मैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स मैंने इसके ये पिंच भी निकाल लिए हैं, जिससे इन्हीं से हमारी गन काम करती है, यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। इसका बैरिंग वेरिंग सब बाहर निकाल लिया, बाकी इसको पेट्रोल से अच्छे तरीके क्लीन करके एक बार आपको पूरी फिटिंग बताऊंगा मैं। तो पूरी फिटिंग देखने की कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए। तो फ्रेंड्स मैंने सभी को अच्छे से क्लीन कर लिया, देख सकते हो आप। टोटल सामान पेट्रोल से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, बाकी अब इनको मैं असेंबल करता हूँ। तो पहले हमें इसको सभी में ग्रीस लगाना होगा अच्छे से, बढ़िया वाला ग्रीस, फिर सभी को हम असेंबल करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम इसके फिंस है ना, ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो सभी के हम पहले ग्रीस लगा लेंगे। टोटल के अच्छे से ग्रीस लगा लेंगे, बढ़िया वाला। मैंने अच्छा ग्रीस लिया है महिंद्रा का। तो मैं टोटल की ग्रीस लगा के इनको इंस्टॉल करता था। इनको इंस्टॉल करने का ये बार ये तरीका है कि हम ऐसे इंस्टॉल करेंगे इसको। ये कट है ना, ये इस तरफ होगा ऐसे, हो गया इंस्टॉल। ऐसे सभी को हम इंस्टॉल करेंगे, तो मैं एक एक को इंस्टॉल करता हूँ। तो फ्रेंड मैंने सभी को अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। अब इसका इसके अंदर बेरिंग इंस्टॉल करेंगे। बेरिंग इंस्टॉल करने से पहले हम ये नोप है ना इसकी, ये इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। ये इजीली बैठ जाएगी यहाँ पे, ये देखो बैठ गई ना। तो इसको भी थोड़ा हम लुब्रिकेट कर लेंगे। अब बाकी बेरिंग में अच्छे से ग्रीस डाल लेंगे हम इनमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें अच्छे से ग्रीस भरता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसका बेरिंग अच्छे से इंस्टॉल कर दिया। बेरिंग इंस्टॉल करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका जो हमने नॉब बैठाई थी वो नॉब इस यहाँ पे लॉक होगी इसकी। अब ये घूम नहीं रहा, अच्छे से लॉक हो गया है, देखो यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बाकी इसके कटोरी वाशर आते हैं, सॉरी पहले इसका ये वाशर बैठाएंगे अच्छे से ग्रीस लगा के, ये इस तरह आएगा। और इसके भी कटोरी वाशर बैठाएंगे इस तरह। तो दोनों को मैं ग्रीस लगा के अच्छे से इंस्टॉल करता हूँ इसके अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने इसके टोटल कटोरी वाशर और मेन वाशर इंस्टॉल कर दिया है। अब इसका ये वाशर आएगा जो इस तरह इंस्टॉल होगा, इसके में हम अच्छे से ग्रीस लगा के इसको इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये गेन की मेन कैप है, इसके अंदर हम अच्छे से यहाँ पे ग्रीस लगा लेंगे इस जगह अच्छे से चारों तरफ। तो मैं अच्छे से ग्रीस इसको लगाता हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर अच्छे से ग्रीस लगा लिया, इसके टोटल भागों में हम ग्रीस लगा लेंगे। इनमें भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, इनको भी, इसको भी,
और इस पर अच्छे से ग्रीस लगा लेंगे इनके। बाकी फिर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, देखो कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी को अच्छे से लुब्रिकेट कर लिया, आप देख सकते हो। बाकी पहले मैं इसको इंस्टॉल करके बताता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम पहले इसके यहाँ पे ग्रीस लगा लेंगे अच्छे से। अब इसका ये वाले सलोट है ना, ये जो नंबर है ना, दो नंबर नीचे आएगा, एक नंबर ऊपर आएगा। नंबर डाले हुए इन पे, तो दो नंबर हम नीचे डालते हैं, ऐसे आएगा एक, तो ऐसे आएगा, फिर एक इसके अपोजिट डालेंगे हम। देखिए एक सेकेंड आपको बताता हूँ, एक ऐसे डाल दिया तो ये ऐसे नहीं आएगा, इसके अपोजिट आएगा ऐसे। तो एक सेकंड में दो नंबर डालता हूँ, फिर एक इसके अपोजिट डाल दिया मैंने ऐसे, अच्छे से इनको ग्रीस कर दिया मैंने। इसकी नॉब है ना, ये दोनों यहाँ से बैठेगी, इसको एडजस्ट करके बैठा दिया मैंने। ये वाली नॉब भी बैठेगी यहाँ पे, एक सेकंड एडजस्ट करके, ये इंस्टॉल हो गई अच्छे से। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इनको। अब इनका ये है ना मेन, जो इसके अंदर हम इंस्टॉल कर देंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है, अब इसका यहाँ पे हम अच्छे से इंस्टॉल कर देंगे इसको। एक बार घुमा के देख लेंगे, अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है ये। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से इंस्टॉल कर दिया, आप देख सकते हो अच्छे से काम कर रही है गन। बाकी पहले इसका बटन इंस्टॉल करेंगे, एयर वाला बटन, इसको भी अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे हम। ऐसे इजीली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, ये देखो अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अब इसकी कैप में अच्छे से लुब्रिकेंट ग्रीस कर लेंगे, अब इसकी कैप बिठाएंगे ऐसे। ये इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसकी ये लॉक पत्ती यहाँ पे आएगी ताकि बटन बाहर ना निकले, ऐसे ये ऊपर ना आए। तो बाकी तीनों बोल्ट में इसके टाइट कर देता हूँ, फिर इसको एयर प्रेशर से हम गन को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके तीनों बोल्ट टाइट कर दिए, हमारी गन कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है, देख सकते हो आप कंप्लीट हो चुकी है, बटन भी अच्छे से काम कर रहा है। बाकी इसके अंदर एयर का पाइप लगाएगी, हम चेक करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, गन कंप्लीट हो चुकी है, आपके आवाज का साउंड सुना देता हूँ। देखो साउंड कितना परफेक्ट हो गया, इसमें साउंड आ रहा था खड़ 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 खड़। इसको अपोजिट भी चला के देखते हैं एक बार, परफेक्ट गन काम कर रही है। तो इसी तरह हम अपनी गन को रिपेयर कर, टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहेंगे तो ये खराब नहीं होगी, सर्विस करते रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी एयर गन बिल्कुल रिपेयर हो चुकी है, सर्विस हो चुकी है, अच्छे से काम कर रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।